हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आमनाज लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़े की चिकन मैक्रोनी की रेसिपी। अच्छा, मेरी ये रेसिपी तो मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। एक मेरी कज़न है स्पेशली, उसको मेरे हाथ की ये मैक्रोनी इतनी पसंद है ना कि वो मैं जब भी बनाऊँ वो मुझे ज़रूर कहेगी कि जब भी वो आए वो मुझे ज़रूर कहेगी कि आमना तुमने मैक्रोनी लाजमी बनानी है। तो आज भी वो मेरी वीडियो देखेगी तो मुझे फ़ोन ज़रूर करेगी कि आमना तुमने मैक्रोनी बनाई और अकेले अकेले खा गई। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी और चलते हैं अपने किचन की तरफ। अच्छा जी, मैं सबसे पहले बताने जा रही हूँ आपको रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। ये देखें, ये मैंने लिया है चिकन, इसको देखें, ये मैंने इस तरह कर लिया है क्यूब्स में कट। उसके बाद मैंने लिया है ये 1 कप ही मायोनीज है और 1 कप ही केचप है। उसके बाद मैंने लिया ये शिमला मिर्च, देखें इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। और इस तरह मैंने गाजर को भी ऐसे ही कट कर लिया है, ये भी मैंने ना 2-2 कप कहने लिए। और बंद गोभी ये मैंने लिया है, ये भी मैंने 2 कप ली है। ये मैंने मैक्रोनी का 1 पैकेट लिया है। उसके बाद मैंने ये चिली सॉस लिया, सोया सॉस लिया है, ये मेरे पास ऑयल है, ये जितना मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं उतना यूज़ करूँगी। अच्छा जी, मैंने लिया है 1 टीस्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून सूखा धनिया है पिसा हुआ, और 1 टीस्पून ही नमक है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, और ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, और ये 1 टीस्पून ही दादर मिर्च है। अच्छा, सबसे पहले मैंने ये आज इधर मैंने ये पानी रखा है वह बॉयल करने के लिए। इसमें मैं ये ऐड कर दूँगी मैक्रोनी, ये मैं पूरा पैकेट नहीं ले रही, ये मैंने आधा पैकेट लिया। ठीक है, इसमें ऐड करूँगी ऑयल, 2 से 3 टेबलस्पून आपने डाल देना, क्योंकि ये ऑयल इसलिए हम डालते हैं कि उसको आपस में चिपकने नहीं देते। ये इसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून नमक। ठीक है, अब इसको अच्छे से हिला लेंगे और इसको बॉयल होने देंगे। चलो, उतनी देर तक हम ऐसे करते हैं कि हम अपने ये वेजिटेबल्स जो हैं ये सारा सामान ये रेडी कर लेते हैं। अच्छा जी, मैंने अब इसमें ऐड किया है 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। अभी जो मैंने चिकन लिया था ये जो सारे मसाले हैं मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और इसमें मैं थोड़ी सी सोया सॉस डालूंगी, और सोया सॉस डाल के इसको मैं अच्छी तरह से कर लूंगी मिक्स। उतनी देर मेरा ऑयल हो जाएगा गरम, फिर मैं इसको उसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा जी, मेरा ऑयल गरम हो गया तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है चिकन, इसको मैं ज़रा सा कुछ देख पकाऊंगी और इसको फ्राई करूंगी अच्छे से। ये देखें, अच्छा जी, देखें अब मेरा चिकन हो गया है रेडी। अब मैं इसे एक बॉल में निकाल लूंगी। ये देखिए, ये मैंने बॉल में लिया चिकन निकाल, अब ये देखिए मैं डालूंगी ये वेजिटेबल जिसमें ऑयल है, इसमें भी मैं वेजिटेबल फ्राई कर लूंगी। ये देखिए मैं वेजिटेबल फ्राई कर रही हूँ, अब ये मैंने इसमें डाल दी है सारी वेजिटेबल्स, अब मैं इसको अच्छे से करूँगी फ्राई। अच्छा, आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, आपने इसको लाइट लाइट करना, ये क्रंची क्रंची ही अच्छी लगती है। अगर आप ज़्यादा पका देंगे तो वो सब्जियाँ ढीली ढीली हो जाएंगी, उनका वो आपको जायका ही नहीं आएगा। उनको बस हम से 2 से 3 मिनट बस फ्राई करेंगे, और इनमें एक तरह मैं फिर अब सारे मसाले ऐड करूँगी, मैं बताती हूँ आपको। अच्छा जी, अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये मसाले। ये मैंने सारे जो मसाले हैं ना ये मैंने 1/2 टीस्पून लिए हैं सारे। ये देखिए, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया, अब मैं इसको मिक्स करूँगी। उसके बाद ये देखिए, मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाली है। उसके बाद ये देखिए, 2 से 3 टेबलस्पून ही मैंने इसमें चिली सॉस डाली है। इसको मैं अच्छे से करूँगी मिक्स। अच्छा जी, ये देखिए सब्जियाँ होंगी अब मेरी रेडी। अब जो मैंने चिकन निकाला था वो भी मैं इसमें कर दूंगी ऐड। ये देखें, मैंने इसमें वो सारा चिकन भी ऐड कर दिया है, जिसको मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। ये देखें, अब ये है हमारी सब्जी की फाइनल लुक। अब चले, उसी दिन में मेरी हो गई है मैक्रोनी भी रेडी, ये मैं आपको दिखाती हूँ। इधर देखिए, ये देखिए हमारी जो मैक्रोनी है ये भी हो गई है बॉयल। अब मैं इसमें आपको एक छोटी सी टिप देती चलूँ कि आपने इसमें जब इसको बॉयल करना है इसके ऊपर ठंडा पानी डालना है, और ठंडे के पानी के बाद आपने 2 टीस्पून ना इसके ऊपर ये ऑयल के लाजमी डालने हैं, और इसको मिक्स कर देना, क्योंकि इससे ये देखिएगा आपकी जो मैक्रोनी आपस में कभी भी नहीं जुड़ेगी। ये देखें, ये आपको हर एक एक चीज़ अलग अलग नज़र आ रही है, इसका हर एक शेल। ठीक है, अब ये हम इसको कर देंगे ऐड, उसमें अपनी वेजिटेबल्स जो हमने की हैं रेडी। ये देखें,
ये देखें इसमें मैं कर रही हूँ अपनी मैक्रोनी ऐड। ये देखें इसमें मैं अच्छे से कर रही हूँ मिक्स। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये मैंने जो एक कप थी मायोनीस। अच्छा मैं इसमें डाल रही हूँ ये एक कप जो मैंने ली थी केचप। ये देखें ये हमारी जो है मैक्रोनी हो गई है बिल्कुल रेडी। अब इसको मैं निकाल के दिखाती हूँ डिश में और इसकी मैं दिखाती हूँ आपको फाइनल। अच्छा जी ये देखें ये है हमारी मैक्रोनी की फाइनल लुक। इसको मैंने थोड़ा सा ना धनिए से कर दिया गार्निश। इससे देखें इसकी लुक कितनी खूबसूरत आ गई और ये खाने वालों को भी अट्रैक्ट करती है। इस तरह आप सर्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। कैसी लगी है आपको मेरी आज की ये रेसिपी? आपने ज़रूर बनानी है और ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपकी भी कैसी बनी है। और तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।